नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जनधन योजना को आगे बढ़ाने का किया फैसला। योजना में कुछ और नई सुविधाएं जोड़ी गई। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रदेश में समेकित सहकारी विकास परियोजना होगी शुरू। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, 50,000 किसानों को होगा फायदा। पिथौरागढ़ जिले में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से महिलाओं की जिंदगी में आया बदलाव। गैस कनेक्शन मिलने से धुएं और चूल्हे से मिली मुक्ति। और अल्मोड़ा में खाई में गिरी बस, 5 लोगों की मौत, 21 घायल। गंभीर घायलों को हल्द्वानी रेफर किया गया। अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जनधन योजना को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। साथ ही इस योजना की शर्तों को और उदार बनाने और इसके तहत लोगों को बैंक खाते खोलने के लिए प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया गया है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जनधन योजना को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में वित्तीय समावेशन में दुनिया की सबसे बड़ी योजना को 14 अगस्त 2018 के बाद भी जारी रखने का निर्णय लिया गया। अब इस योजना के तहत सभी बालिग लोगों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। ओपन एंडेड हम लोग कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये रनवे सक्सेस स्कीम है जिसका इतना मास पार्टिसिपेशन हुआ है। सरकार ने जनधन खाता धारकों के लिए ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी 5,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए तक कर दी है। इसके साथ ही कैबिनेट ने 28 अगस्त के बाद जनधन योजना के नए खाता धारकों को मिलने वाले रुपे कार्ड पर मुफ्त दुर्घटना बीमा की राशि भी 1 लाख की जगह बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया है। जो लोग 2,000 तक विड्रॉ करेंगे उन पे कोई कंडीशन लागू नहीं होगी। इसमें एवरेज एज एक्सपेक्टेंसी भी बड़ी है और इसलिए इसकी जो एज थी इंटाइटलमेंट की वो 18 से 60 वर्ष तक थी, तो उस एज को और रिलैक्स कर दिया गया है और अब 18 से 65 वर्ष तक के लोग इसकी सुविधा ले सकते हैं। इस योजना को अपार सफलता मिली। पिछले 4 वर्षों में दुनिया भर में खोले गए कुल बैंक खातों में से आधे से अधिक खाते भारत में जनधन योजना के तहत खोले गए हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए समेकित सहकारी विकास परियोजना को प्रदेश में लाया जा रहा है। 3,632 करोड़ रुपए की परियोजना को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी NCDC के सहयोग से शुरू किया जाएगा। श्री रावत ने बताया कि ये परियोजना किसानों की आय दोगुनी करने में महत्वपूर्ण साबित होगी। इससे राज्य के 50,000 किसानों को फायदा होगा। इसमें कॉपरेटिव और कॉरपोरेट में समन्वय पर भी बल दिया जाएगा। क्या कि कैसे हमारी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, ये अर्थव्यवस्था कैसे हमारी मजबूत हो और राज्य की विकास दर में गांव भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। सरकार की बड़ी स्पष्ट सोच है कि जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और एग्रो बेस्ड सेक्टर, ये दोनों सेक्टर जब बराबर गति से काम करेंगे, कोऑपरेटिव टू कोऑपरेटिव और कोऑपरेटिव टू कॉर्पोरेट, ये भी इसमें रास्ते खुलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य को पूरा करने में यह परियोजना महत्वपूर्ण साबित होगी। इस परियोजना को सफल बनाने में सहकारी कृषि, उद्यान, मत्स्य, डेयरी और संबंधित विभागों की अहम भूमिका होगी। ये कार्यक्रम 3 चरणों में चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि आपदा के दौरान राहत और बचाव कार्यों को जल्द से जल्द संपन्न कराने में धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में आपदा से हुए नुकसान और राहत कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने बताया कि त्वरित राहत के लिए सभी जिलाधिकारियों को अब तक कुल 77 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई जा चुकी है।
मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को आपदा प्रबंधन तंत्र को प्रभावी बनाए रखने के साथ ही आपदा आपातकालीन केंद्रों को 24 घंटे क्रियाशील रखने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी आपातकालीन घटना की सूचना विलंब शासन को भेजी जाए। श्री रावत ने संबंधित विभागों को बारिश के दौरान संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों की संभावना का आकलन करने और इससे बचने के लिए आवश्यक तैयारियों को पूरा करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने जनपदवार प्राकृतिक आपदा से हुई जनधन की हानि की विस्तृत जानकारी भी प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने केदारनाथ में किए जा रहे पुनर्निर्माण कार्यों को 31 अक्टूबर तक पूरा किए जाने के निर्देश रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी को दिए। महिलाओं की सहूलियत के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कई परिवारों के लिए खुशियां लेकर आई है। खास बात यह है कि इस योजना का लाभ दूर दराज के इलाकों तक पहुंचा है। पिथौरागढ़ में किस तरह प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने महिलाओं की जिंदगी बदल दी है, देखते हैं इस रिपोर्ट। चूल्हे में जलती लकड़ियां और धुएं के बीच खाना बनाती महिलाएं। गांव में पहले ये नजारा आम था। जब चूल्हा फूंकती महिलाएं परिवार को पौष्टिक भोजन तो परोसती थीं, लेकिन धुएं के कारण खुद कई गंभीर रोगों की चपेट में आ जाती थीं। महिलाओं को इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई। पिथौरागढ़ जैसे सीमांत जिले तक इस योजना का लाभ महिलाओं को मिलने लगा है। इस योजना के तहत जरूरतमंद बीपीएल परिवारों को निशुल्क गैस कनेक्शन मिला है। शांति देवी की रसोई में अब चूल्हा नहीं बल्कि गैस सिलेंडर है, जिसमें बिना किसी झंझट के वो आराम से खाना बनाती हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मिले गैस कनेक्शन ने उनकी जिंदगी को आसान कर दिया है। आँखों में धुआं होता है और लकड़ियाँ गीले रहती है। सिलेंडर लाने से सुविधा होती है आजकल। उज्ज्वला से सिलेंडर मिलता है, उससे आप बहुत राहत मिलती है। सिर्फ शांति देवी ही नहीं बल्कि विनीता, पार्वती और हेमा समेत कई महिलाओं का कहना है कि पहले उन्हें सारा दिन भूखे प्यासे जंगलों में लकड़ियों के लिए भटकना पड़ता था, लेकिन गैस सिलेंडर और चूल्हा आने से तस्वीर ही बदल चुकी है। पहले लकड़ी में बनाते थे तो फूंक फूंक के बनाते थे, थोड़ा परेशानी होती थी। आजकल अब गैस चूल्हा आ गया तो उसमें बनाते हैं, अब अच्छा लगता है, लग रहा है। दूर दूर लकड़ी तोड़ने जाते थे, बहुत परेशानी होती थी, बिना खाए जाते थे, सुबह शाम को आते थे, फिर लकड़ी लाते थे, फिर पका के अपने बच्चों को खिलाते थे, बड़ी परेशानी थी। सरकार की जो योजना है उससे हमें थोड़ा आराम मिला है, अच्छा मिला है। हम दूर दूर जाते थे जंगल में, सुबह एक ही रोटी खा के वहाँ से लकड़ी तोड़ के शाम को रात को घर में पहुँचते थे, ऐसी बुरी हालत काटी थी हम लोग। चूल्हा जलाते थे तब तो अपने बच्चों को खाना खिलाते थे हम। अभी एक गैस है, उसमें अपने बच्चों को खाना खिला के अच्छे ढंग से खिला रहे हैं। अब आजकल हम ये सरकार से गैस चूल्हे मिले हैं, उसमें हम बना रहे हैं, धुआं की जरूरत नहीं पड़ी है। पहाड़ की महिलाओं का जीवन काफी संघर्षपूर्ण होता है। हालांकि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने कई महिलाओं की जिंदगी आसान कर दी है और उनको धुएं से होने वाली गंभीर बीमारियों से भी निजात दिलाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, देहरादून। उत्तराखंड में एक और भीषण सड़क दुर्घटना हुई है। अल्मोड़ा के भतरौज खान और भिकिया सैंड के बीच सियालढूंगा के समीप आज दोपहर एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है जबकि 21 लोग घायल हैं। बताया जा रहा है कि गढ़वाल मोटर यूनियन की बस रामनगर से गैरसैंड जाते हुए खाई में जा गिरी। जिस जगह यह हादसा हुआ वो भिकियासैंड से करीब 2 किलोमीटर आगे है। पुलिस और स्थानीय लोग राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। गंभीर रूप से घायलों को बेहतर इलाज के लिए हल्द्वानी रेफर किया गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अल्मोड़ा बस हादसे के मृतकों के प्रति गहरा दुख जताया है। जहां सड़क है वहां विकास है। ग्रामीण क्षेत्रों तक विकास की रोशनी पहुंचाने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से ग्रामीणों की कई समस्याएं दूर हो गई हैं। सड़क बनने से चंपावत जिले के पटन और सुंडुंगरा गांव के अलावा आसपास के इलाकों की सूरत ही बदल गई है। किसान मोहन सिंह पाटनी का कहना है कि जब से गांव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क का निर्माण हुआ है तब से उनको फायदा हो रहा है। उत्पादन अब समय से बाजार पहुंच जाता है। सड़क की सुविधा होने से गांव के अन्य लोग भी स्वरोजगार से जुड़ने लगे हैं। ये रोड आने के बावजूद पूरा ऐसा है, हमारा व्यवसाय में भी वृद्धि हो रही है और विकास भी हो रहा है, पूरा बेनिफिट हमको यहीं पर मिल जा रहा है। ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो प्रधानमंत्री
कि ये जो रोड आई है यहाँ से पूरा क्षेत्र का विकास हो रहा है, लोगों का पलायन भी रुक गया है। आशा देवी प्रधानमंत्री सड़क ग्राम सड़क योजना से खुश हैं। पहले उन्हें अपने सामान के साथ कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, लेकिन अब सड़क बनने से गाड़ी की सुविधा मिलने लगी है। बहुत अच्छी योजना है, इससे हमें बहुत फायदा हुआ है। पहले जो है सड़क नहीं थी, हमें पैदल जाना पड़ता था, अब जो है हमें बहुत फायदा हो रहा है इससे। जैसे हम सब्जी अब्जी को पहुंचाने पहले तो सिर में रख के ले जाते थे, अब जो है हमें सड़क प्रधानमंत्री सड़क योजना से बहुत फायदा हो रहा है। तो हमारे गाड़ी हमारे मुंह के नजदीक आ जा रही है तो हम गाड़ी में रख के ले जा रहे हैं, इससे हमारे पैसे की भी बचत हो रही है। गौरतलब है कि जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 28 सड़कों का निर्माण हो चुका है और 7 सड़कों का निर्माण कार्य जारी है। मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना के संचालन में उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। साल 2017-18 में मनरेगा के तहत राष्ट्रीय स्तर पर घोषित पुरस्कारों की विभिन्न श्रेणियों में से उत्तराखंड को 5 श्रेणियों में पुरस्कार के लिए चुना गया है। भौगोलिक और तकनीकी कठिनाइयों को दरकिनार करते हुए श्रमिकों को 15 दिन के अंदर मजदूरी भुगतान करने में उत्तराखंड ने देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। कार्यों में पारदर्शिता लाने, दोहराव को रोकने और जियो टैगिंग करने की प्रक्रिया में अच्छा कार्य करने के लिए जियो मनरेगा पुरस्कार की श्रेणी में चंपावत जिले को दूसरा स्थान मिला है। वहीं हिमालयी और उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में उत्तराखंड को 4 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में बेहतर चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के लिए उत्तराखंड हेल्थ सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। विश्व बैंक की इस परियोजना के लिए 120 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। सचिवालय में हुई प्रोजेक्ट गवर्निंग बॉडी की बैठक में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने निर्देश दिए कि ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे मरीजों को इलाज के लिए दूर न जाना पड़े। खासतौर पर दूर के पर्वतीय क्षेत्रों के जिला अस्पतालों में जांच और इलाज की सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। बैठक में चिकित्सा सचिव नितेश कुमार झा ने बताया कि देश में लागू होने वाली ये अपनी तरह की पहली परियोजना है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड हेल्थ सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत व्यवस्था में सुधार के लिए क्लस्टर मोड में कार्य शुरू किया गया है। पहले क्लस्टर के रूप में टिहरी जिले का चयन किया गया है। बैठक में बताया गया कि अल्मोड़ा हॉस्पिटल को ई हॉस्पिटल बनाने के बाद अब सभी अस्पतालों को ऑनलाइन किया जा रहा है। जल्द ही सरकारी अस्पतालों में ई पर्ची की व्यवस्था भी लागू की जाएगी। पूरे प्रदेश का ई हेल्थ रिकॉर्ड बनाने के लिए सर्वे किया जा रहा है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि देवभूमि को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए प्लास्टिक को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों से प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए। श्री रावत ने कहा कि प्लास्टिक पर अंकुश लगाने की शुरुआत सभी मंदिरों, मेलों और दुकानों से हो। उन्होंने युवा पीढ़ी को नशे से दूर रखने के प्रयासों में भी अधिकारियों को सक्रिय भागीदारी निभाने को कहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक संदेशों के प्रसारण पर भी नजर रखने के निर्देश दिए। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जनधन योजना को आगे बढ़ाने का किया फैसला। योजना में कुछ और नई सुविधाएं जोड़ी गई। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रदेश में समेकित सहकारी विकास परियोजना होगी शुरू। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा 50,000 किसानों को होगा फायदा। पिथौरागढ़ जिले में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से महिलाओं की जिंदगी में आया बदलाव। गैस कनेक्शन मिलने से धुएं और चूल्हे से मिली मुक्ति। और अल्मोड़ा में खाई में गिरी बस, 5 लोगों की मौत, 21 घायल। गंभीर घायलों को हल्द्वानी रेफर किया गया। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।